हमारी कर्नाटक सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से ही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने का कुछ प्रबंध करें। मामा से अपील कर रहे हैं ये मासूम बच्चे कि मामा जी कब इन्हें वापस इनके प्रदेश में लेकर आएंगे। आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो जो चाहे वो कर दें। जब कोटा से आप छात्रों को ला सकते हैं तो इन बच्चों को भी लाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। दरअसल कोरोना की जंग के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी और ये शुरुआत फिर मध्य प्रदेश में पहुंच गई, तभी मामा ने कदम उठाया और कोटा में बचे फंसे बच्चों को वापस लेके आए। लेकिन कर्नाटक में ये बच्चे फंसे हुए हैं जो मध्य प्रदेश के खंडवा के हैं और इनकी मार्मिक अपील अपने मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान से है कि सीएम साहब हमें वापस ले आइए। आइए दिखाते हैं आखिरकार ये बच्चे क्या क्या है। विद्यालय पन्नाना खंडवा मध्य प्रदेश के विद्यार्थी है और हम माइग्रेशन पॉलिसी के तहत यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय उडुपी कर्नाटक में आए। अभी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं कि हम यहाँ से हमारे घर जा सके, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है, कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले रहा है। तो हमारी कर्नाटक सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से ही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने का कुछ प्रबंध करें। और हम अभी ज्यादा एज के भी नहीं है, अभी हम 15-16 के हैं ज्यादातर, और वो छोटे छोटे अभी सबकी इतनी मानसिक स्थिति इतनी वो नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन को हम संभाल सके। हमें यहाँ पर COVID-19 के कारण 19 मार्च को सभी बच्चे जा चुके हैं, हमें यहाँ पर एक महीने से ज्यादा हो चुका है। अब हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर नहीं रहना है, हमें आप स्कूल से कोई दिक्कत नहीं, हमें सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन हमें हमारे घर जाना है। दरअसल इन मासूम बच्चों ने सूबे के मुखिया से इल्तजा की कि उन्हें भी घर बुला लिया जाए। पिछले एक महीने से लगभग 20 मासूम छात्र कर्नाटक के उडुपी में फंसे हैं। छात्र वहां जवाहर नवोदय विद्यालय से माइग्रेशन पॉलिसी के तहत गए थे। अब इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अपील की है कि उन्हें भी वापस अपने घर अपने प्रदेश बुला लिया जाए। आपको बता दें कि खंडवा के जवाहर नवोदय विद्यालय के 20 छात्र छात्राएं कर्नाटक के उडुपी माइग्रेशन पॉलिसी के तहत अध्ययन के लिए गए थे। उन्हें जब वापस आना था ठीक उसी समय कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की घोषणा हो गई और ये मासूम वहां फंस गए। अब मासूम लगातार यही बात उठा रहे हैं कि सीएम साहब हमें भी वापस बुला लीजिए। ऐसे में हमारी भी अपील है मध्य प्रदेश सरकार से कि वो भी अपने इन बच्चों के बारे में सोचे और इन्हें वापस अपने प्रदेश लेके आए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये बच्चे अपने घर वापस आ पाएं, अपने माता पिता से मिल पाएं। और एडवाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।